नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डीसी ने विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर की राजस्व वसूली की समीक्षा। युवती का शारीरिक शोषण करने वाला युवक गिरफ्तार। और शहर में हेलमेट और प्रेशर हॉर्न की गहनता से होगी जांच। अब खबरें विस्तार से। डीसी हिमानी पांडे ने आज अपने कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तीन दिन पूर्व खत्म हुए वित्तीय वर्ष 2012-13 में विभिन्न विभागों द्वारा वसूल की गई राजस्व की समीक्षा की। उपायुक्त हिमानी पांडे ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में विभिन्न विभागों में हुई राजस्व वसूली के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जिले में वसूल हुए राजस्व को आंतरिक संसाधन विभाग में जमा कर दिया गया है। निबंधन सर्टिफिकेट केसेस के निष्पादन से एक्साइज और ट्रांसपोर्ट विभाग में 100% राजस्व की वसूली हुई है। चालू वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक सर्टिफिकेट केसेस निष्पादित करने के लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। हम लोग का विशेष जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कुल में, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन वाणिज्य कर विभाग से होता है, परंतु क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा ब्लॉक क्लोजर्स हुए और विशेष रूप से क्योंकि यहाँ पर ऑटोमोबाइल कंपनीज के माध्यम से बहुत सारी राशि जमा होती है और वहाँ पे क्लोजर्स हुए हैं, इसलिए वहाँ पे उनकी वसूली कम हुई है और 85% लक्ष्य उन्होंने हासिल किया है। और उन लोगों के द्वारा विशेष रूप से रेगुलेटरी फंक्शंस की तरह सर्टिफिकेट केसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इस वर्ष हम लोग ने मैक्सिमम विगत कई वर्षों से जो वसूली हुई है सर्टिफिकेट केसेस के माध्यम से उसके डिस्पोजल से मैक्सिमम इस साल हुआ है वसूली और डिस्पोजल ऑफ केसेस। इसके अलावा निबंधन विभाग का हम लोग का 114% हुआ है, माइंस का 80% हुआ है और एक्साइज का हम लोग का 88% हुआ है। एंड इसके अलावा जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, जिसमें 90% कंट्रीब्यूशन हुआ है आंतरिक संसाधन। अगले वित्तीय वर्ष की तैयारी ये लोग कर रहे हैं क्योंकि अब सेटलमेंट कैंप हम लोग का 29 तारीख को फिक्स हो गया है, इसलिए उस पर समीक्षा की गई कि वो लोग मैक्सिमम केसेस को डिस्पोज ऑफ करवाएं और इंश्योर करवाएं कि जो वसूली उस सर्टिफिकेट में निहित है उसकी वसूली हो सके। टेल्को की रहने वाली पूजा नामक युवती का करीब 5 वर्षों तक शारीरिक शोषण करने वाले राजीव कुमार सिन्हा नामक व्यक्ति को सांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके द्वारा युवती को ब्लैकमेलिंग की नीयत से तैयार की गई सीडी भी पुलिस के हाथ लगी है। युवती आज एक सामाजिक कार्यकर्ता के संरक्षण में अपने परिजनों के साथ सांची महिला थाना पहुंची थी। उसकी शिकायत पर बाराद्वारी के रहने वाले राजीव कुमार सिन्हा को हिरासत में ले लिया गया है। शोषण का आरोपी व्यक्ति चेन्नई की एक निजी कंपनी में पदाधिकारी के पद पर कार्यरत है। राजीव के अनुसार उसकी पूजा के साथ पहली बार मुलाकात गोलमुरी चर्च में हुई थी, उसके बाद से युवती उसे ब्लैकमेल करने का काम कर रही थी। गोलमुरी चर्च में दोस्ती थी, फिर वो हमसे बोली शादी करने के लिए, शादी करने से रिफ्यूज किया। आपने किया जी? अच्छा, फिर बोले कि केस कर देंगे। हमने कैसे बोली? बोलेंगे फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, सारा कुछ डाल करके, किडनैपिंग केस डाल करके। आपने कुछ SMS भी बनाया था क्या? नहीं। आपने लड़की को ब्लैकमेलिंग भी किया? नहीं किया है। मेरे पास उसका दिया हुआ लेटर रखा हुआ है, वो जो हमको लेटर दिया है उसका दिया हुआ गिफ्ट है, उसका दिया हुआ ग्रीटिंग्स कार्ड है। लड़की के साथ शारीरिक संबंध भी आपकी हुई? तो अपने आप को बचाने के लिए कर रही है, तो जिस दिन टेस्ट होगा रिपोर्ट होगा उस दिन मालूम चलेगा। वहीं साक्षी महिला थाना प्रभारी एम गुड़िया ने बताया कि युवती का शारीरिक शोषण किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, आरोपी व्यक्ति को जेल भेजा जाएगा। ये दो दिन से ये लोग का प्रेम प्रसंग चल रहा था और लड़का बोल रहा था कि हम तुमसे शादी करेंगे, जैसे मेरी शादी करके दूसरे लड़की से शादी की, तो फोटो है, ग्रीटिंग्स कार्ड है, सीडी में देखना पड़ेगा। टोटल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अरेस्टिंग कितने लोगों की? एक। लड़का जेल जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी जॉर्ज कुमार ने आज अपने कार्यालय कक्ष में MVI और ट्रैफिक DSP के साथ बैठक कर शहर में हेलमेट और प्रेशर हॉर्न की गहनता से जांच करने का निर्देश दिया।
डीटीओ जॉर्ज कुमार ने कहा कि दोपहिया वाहन चालक और उस पर बैठने वाले को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। आदेश का अनुपालन नहीं करने वालों को दंड स्वरूप 200 रुपए देने होंगे। ऐसा ही प्रावधान प्रेशर हॉर्न लगे वाहनों के लिए भी लागू किया गया है। जहां तक प्रदूषण की बात है तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मैनुअल के बजाय कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट निर्गत करने के निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि सभी को पुलिस से सूचित भी कर दिया गया कि हेलमेट अब अगर टू व्हीलर में चल रहे हैं तो दोनों व्यक्तियों को चलाने वाले और पीछे बैठने वाले को भी दोनों को पहनना है, अन्यथा दोनों में 200 रुपये के चार्ज हो जाएगा हेलमेट अगर नहीं पहनते हैं तो। इसकी जांच चल रही थी। प्रेशर हॉर्न की भी कुछ जाँच? हाँ, प्रेशर हॉर्न की भी जाँच चल रही है कि प्रेशर हॉर्न लगाना अवैध है, इससे पॉल्यूशन होती है, साउंड पॉल्यूशन, और इस पर 1,000 रुपये जुर्माना है। चार प्रदूषण केंद्र है आपके जमशेदपुर में, चारों को निर्देश मेरे द्वारा एक महीने पहले दे दिए किया था कि मैनुअल सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जारी ना करें और कंप्यूटर से इसकी जांच कर कंप्यूटर प्रमाण पत्र जारी करें, जिसमें गलत होने की संभावना नहीं के बराबर रहती है, जिसमें गाड़ी का फोटो भी आ जाता है और उसमें जाँच भी बेहतर तरीके से हो पाता है। मैनुअल में इसमें गलत होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए ये निर्देश दिया गया। और सारे जितने भी वाहन चालक या वाहन मालिक है सबको ये अपील करता हूँ कि वो कंप्यूटराइज मशीन से अपना वाहन का जांच करा के उसका प्रमाण पत्र लें। किन किन क्षेत्रों में लगा है ऐसा प्रदूषण जांच वाला? प्रदूषण जाँच 4 केंद्र है, एक नाग मोटर से आपके साक्षी के पास, एक आपके टुल्ली डुमरी के पास है पेट्रोल पम्प में, और एक मानगो में है, और एक दो मानगो में, एक डिंगना में, एक मानगो में। जमशेदपुर महिला कॉलेज में बीएड में नामांकन के लिए प्रॉस्पेक्टस की बिक्री शुरू हो गई है, जो 19 अप्रैल तक चलेगी। प्रवेश परीक्षा 7 जून को होगी, यह जानकारी प्राचार्य डॉक्टर शुक्ला मोहंती ने दी। उन्होंने बताया कि उनका कॉलेज 60 साल पुराना है। कॉलेज के साथ साथ यहां के शिक्षा संकाय को भी ए ग्रेड मिला है, जो इस कॉलेज के लिए गौरव की बात है। NCTE के निर्देशानुसार 1 जुलाई से बीएड की कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। ये ग्रेट कॉलेज है, नॉट ओनली फॉर जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज, होल कॉलेज। ये बीएड एमएड के लिए भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी ए ग्रेड मिला हुआ है, इसलिए यहाँ कुछ अधिक ही हमारे यहाँ सेल है इसका, और 200 सीट्स भी हैं, इसलिए हमको लगता है कि इस साल बहुत अच्छा हमारे बीएड के प्रोस्पेक्टस मिले जाएंगे। आप देख ही रहे हैं। कब से कब तक चलेगी? 19 तक है, और टीटी का नॉर्म्स हो गया है कि 1 जुलाई से आपको क्लास शुरू करना ही है। माहूरी वैश्य मंडल की ओर से आज तुलसी भवन में मां मथुरा वासिनी पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तजनों ने मां मथुरा वासिनी की श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा की। संजय कुमार मंडल ने कहा कि माहूरी वैश्य मंडल द्वारा पिछले कई वर्षों से कुल देवी मां मथुरा वासिनी की पूजा अर्चना की जा रही है। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। समाज की तरफ से जो वैश्य मंडल का पार्ट है, इसमें हम लोग हर साल मां मथुरासिनी की पूजा हर एक साल चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन में हम लोग मनाते हैं। तो ये हम लोग पिछले 8-9 साल से मना रहे हैं, तो इसमें हम लोग पूजा करते हैं और साथ साथ में अपने समाज के लिए लोगों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें भजन और सारे प्रोग्राम्स होते हैं। झारखंड पेंशनर कल्याण समाज की बहुत जल्द एक बैठक मानगो गांधी घाट में होगी, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों के पेंशन और यात्रा भत्ते के मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा होगी। यह जानकारी संस्था के सचिव SP सिंह ने दी। वे आज DC से मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवानिवृत्त के दिन 1 माह का पेंशन और यात्रा भत्ता भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, लेकिन इस जिले में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इस मुद्दे पर हम लोग बहुत जल्द एक बैठक कर आगे की रणनीति बनाएंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको सेवानिवृत्त के दिन यात्रा भत्ता अनुदान दिया जाता है 1 महीना के वेतन के बराबर, वो किसी को नहीं मिलता है। उसका अवेयरनेस भी नहीं है, लोगों में जानकारी जागरूकता भी नहीं है, और वो चाहते हैं कि ये हम लोग जो जब तक क्लेम नहीं करेंगे तब तक कहीं से उसके निकासी पर अधिकारी नहीं देंगे। तो इसके लिए बहुत सारा और भी समस्याएं हैं, पूरा पेंशन का लाभ मिल जाए, सारे दावों का भुगतान उनका हो जाए, तो ये सब के लिए अंतिम रूप से हम लोगों ने गांधी घाट में एक कार्यक्रम तय किया है और वहीं पर मीट करके कब कर रहे हैं? 5 तारीख को कर रहे हैं, 5 सितम्बर को। मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 4 के लोग नीचे से गुजर रहे 220 वोल्ट के जर्जर विद्युत तारों को लेकर काफी भयभीत हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जर्जर विद्युत तारों की वजह से पूर्व में कई बार घटनाएं घट चुकी हैं, जिसकी शिकायत राज्य विद्युत बोर्ड के अधिकारियों से की गई,
लेकिन पुराने जर्जर विद्युत तारों को बदलने की पहल नहीं की गई। हो चुका है, बच्चों को इलेक्ट्रिक शॉट लग चुका है। रोड से कितने हाइट पर तार है? ये रोड से करीबन 6 फीट पे है। अच्छा, और अभी तक इस पे कोई कार्रवाई हुई नहीं है। 6 फीट का नीचाई में है और हम लोग का बिजली में कोई टाइम भी हम लोग का कोई बच्चा का कुछ हादसा हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। बिजली वाला लोग को बुलाते हैं तो बिजली वाला लोग बहुत लेट से आते हैं और कभी भी हम लोग का तार में कभी भी कुछ हादसा हो सकता है। कुव्यवस्था के चलते हमेशा चर्चा में रहने वाले MGM अस्पताल की स्थिति यह है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चों को खुद स्ट्रेचर लेकर डॉक्टर के पास रोगी के साथ जाना पड़ता है। ऐसी ही घटना आज अस्पताल में देखने को मिली, जहां रोगी के साथ आई छोटी छोटी बच्चियां रोगी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए स्ट्रेचर खींचती दिखी। जिले के उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस सिलसिले में पटमदा के कुछ लोग आज जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय आए थे। ये लोग 40 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जो वर्षों से BEd की डिग्री प्राप्त कर शिक्षक बहाली की आस में बैठे हैं या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। इनका कहना है कि झारखंड के स्कूलों में शिक्षक नहीं है, लेकिन रिक्त पदों को भरने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। मजबूरी में उन्हें अनुबंध के आधार पर शिक्षक की बहाली प्रक्रिया में भाग लेना पड़ रहा है, जिसमें उन्हें प्रति क्लास 150 रुपए मिलेंगे। हम एक प्राइवेट स्कूल में काम करते हैं। कहाँ पे पढ़े लिखे? लिखा पढ़े BEd है। तो क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? दिक्कत अभी हम लोगों का सरकारी नौकरी नहीं मिलता है, 50 साल उम्र होने के बाद भी यही दिक्कत है हम लोग का। क्या तभी मैंने बहाली का निकला हुआ है, उसमें भर रहे हैं? पहली अभी अस्थायी पद के लिए भरा है, जो एक क्लास के लिए 150 देगा। से लेकर के टीचरशिप के सेवा भावना के रूप में काम में लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल जो सरकार निकाला है इसके चलते पार घंटी 150 रुपया का इसमें हम अनुबंध के आधार पर शिक्षकता करने के लिए आए हुए हैं। और झारखंड का विकास कैसे हो सकता है जब हम लोग इतना दिन से सेवा दे रहे हैं, वो भी कल्याण विभाग का ही एक स्कूल है जो आवासीय विद्यालय को हम लोग 24 घंटा रह करके काम करते हैं, फिर भी हम लोग को एक बहुत मिनिमम मानदेय के रूप में दिया जा रहा है। ना तो हम लोग का PF काट रहा है, ना ग्रेचुएटी काट रहा है, ना सर्विस का सिक्योरिटी है। न्यू रानीकुदर स्थित महावीर मंदिर रामनवमी अखाड़ा का नया लाइसेंसी संजय सिंह को बनाया गया है। आज अखाड़ा कमेटी की संपन्न हुई बैठक में पूर्व लाइसेंसी सतीश सिंह ने अखाड़ा का नया लाइसेंसधारी संजय सिंह को घोषित किया। सतीश ने बताया कि यह बहुत पुराना रामनवमी अखाड़ा है। आज अखाड़ा की नई कमेटी गठित करते हुए रामनवमी अखाड़ा जुलूस के मुद्दे पर चर्चा की गई। अखाड़ा है बहुत पुराना, ये अखाड़ा है, हमारा अखाड़ा का सीरियल नंबर है 3। आज क्या हो गया? आज क्या हो गया जी? कमेटी गठन कर लिया है यहाँ का, और आगे क्या हम लोग करना है, किस तरह हम लोग अखाड़ा निकालना है स्वच्छ पूर्वक, इसी का हम लोग आज बातचीत करने लिए पूरा बैठे हुए हैं यहाँ पर, जोड़ किए हुए हैं। समझे, हमारा प्रोसेशन में किस तरह गुम्बद निकलेगा, किस तरह झंडा का प्रोसेशन चलेगा, और हमारा रानीकुदर बस्ती में ही घूमता है हमारा अखाड़ा। क्या हमारे प्रेसिडेंट हुए संजय सिंह, और लाइसेंस में है मिस्टर रविंदर अरविंद सिंह, लाइसेंस देने वाला है। जुगसलाई रेलवे फाटक क्रॉस करते समय ट्रेन की चपेट में आने से आज वृद्ध महिला जख्मी हो गई, उसका इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। उसे गौतम नामक युवक के सहयोग से जुगसलाई पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। गौतम के अनुसार जख्मी महिला उड़ीसा की रहने वाली है। अरे जाके सो गए मतलब हुए बढ़िया क्यों नहीं पता नाम कुछ बता रही है नाम सुबाला बता कहाँ की रहने वाली है उड़ीसा की रहने वाली है मतलब ट्रेन का पटरी पर सो गई काम करके मतलब। सिंहभूम चैम्बर का होली मिलन समारोह मंगलवार शाम बिस्टीपुर चैम्बर भवन में आयोजित हुआ। इस मौके पर कोलकाता से आए कलाकारों ने आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम पेश किए, जिसका उद्यमियों और व्यवसायियों ने जमकर लुत्फ उठाया।